टोटली पूरी तरह से गलत है ये खबर। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कल मैं सबसे पहले जो हमारा काजी हाउस है जो कि फर्टिलाइज़र में है और जहाँ पर हमारे यहाँ के जो शहर के जितने भी एक्सीडेंट में घायल, ये सड़क पे पड़े हुए बीमार, जो कमज़ोर अशक्त जानवर होते हैं, गौवंश होते हैं, उनको हम लोग जो है उठाकर लेकर जाते हैं। पब्लिक से शिकायतें आती हैं, पब्लिक से मतलब खबरें आती हैं कि साहब यहाँ पर इस गाड़ी की टक्कर से ये गौवंश घायल हो गया है, यहाँ पर ये गौवंश अशक्त होकर गिरा पड़ा हुआ है, ये गौवंश जो है बीमार है। तो हमारी जो टीम है यहाँ पर वो ले जाकर उसको जो काजी हाउस है वहाँ पर भर्ती करती है और वहाँ पर उसका इलाज चलता है। कल मैं अचानक ही वहाँ पर अचानक आकस्मिक निरीक्षण किया और वहाँ जाने से पहले मैंने CEO को भी बोला था कि आप भी वहाँ पे आ जाओ, जिससे उसकी व्यवस्था को देख लें कैसे क्या चल रहा है सब। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक CEO साहब जो डॉक्टर साहब थे, ACVO, वो वहाँ पर अपने कंपाउंडर के साथ वहाँ पर मौजूद थे। उन जानवरों की वो देखभाल कर रहे थे, उनको दवाई दे रहे थे और उसके बाद वहाँ पर उन जानवरों को एक बार चारा उनके नाद में पड़ा हुआ था और उसको वो लोग मतलब खा रहे थे। हमने देख पूरा वहाँ पे बकायदा निरीक्षण करने के बाद उनको आदेश दिया कि इनके खाने में चूंकि हरा चारा कम है तो चूनी चोकर की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। फिर डॉक्टर साहब से मैंने पूरा पूछा तो डॉक्टर साहब ने समझे आपको दिक्कत क्या है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि सर अगर हो सके तो यहाँ पर एक दो जो है मैन पावर बढ़ा दिया जाए। तो उस दो मैन पावर को बढ़ाने के लिए मैं तत्काल वहाँ पर हमारे साथ हमारे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त वो अलग से आ गए थे, जो जोनल अफसर थे वहाँ के दोनों अलग अलग जोन के वो भी आ गए थे सुन के कि मैं आया हुआ हूँ वहाँ पर निरीक्षण करने। तो वो हमारे और अफसर जो अलग अलग उसमें थे वो लोग वहाँ पे आ गए। तो हमने वहाँ डॉक्टर साहब से पूछकर दो आदमियों की तत्काल व्यवस्था कराई, कहा कि भाई यहाँ बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा हमने वहाँ पर डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो चारों तरफ चूँकि बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, टीन सेट पड़ा हुआ है, उसके बावजूद जो वहाँ पे जानवर आते हैं, मान लीजिए किसी जानवर को फोड़ा हो गया या कोई उसको कमर में या कहीं पर पूंछ के नीचे कुछ, कभी कई बार आपने देखा हो कि बरसात के सीजन में कुछ घाव हो जाते हैं, तो डॉक्टर वगैरह जो ट्रीटमेंट दे के चले जाते हैं उनकी पूरी ड्रेसिंग करते हैं, उसके बावजूद कौवे या कुछ ऐसे जो पक्षी होते हैं वहाँ पर आकर पुनः उन घाव पर बार बार वो मार देते हैं चोंच, जिसकी वजह से होता हुआ ठीक होता हुआ घाव फिर से जो है एक बार हरा हो जाता है। तो उन्होंने एक बार मैंने फिर इसको देखने के बाद समझने के बाद मैंने कहा कि वहाँ पर उसकी एक नेट टाइप का जाल जो है पतली वाली जाली का उसको लगा दिया जाए, जिससे कि मतलब उस पीछे की तरफ से पक्षी ना आ पाए और सामने की तरफ से आएँ तो उसको मतलब अगर आते हैं तो उसको देखने के लिए आदमी भी वहाँ हर समय बना रहे। तो ये हमने आम व्यवस्था करने के बाद हमने CVO साहब चूँकि थे हमारे साथ तो CVO साहब से हमने कहा चले एक बार हम लोग अपना जो खाना ऊपर है उसको भी वहाँ पर देखाएँ। तो मैं कान्हा उपवन उन सभी लोगों को लेकर चला गया और वहाँ पे जाकर कान्हा उपवन का पूरा मैंने भ्रमण किया। वहाँ पर हमारा निर्माण कार्य भी चल रहा है कान्हा उपवन का जो सेकंड फेज है उसके संबंध में। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने को जो मतलब एक तालाब पहले खुदा हुआ था जानवरों के पानी पीने के लिए, उनके नहाने धोने के लिए रैंप बना हुआ था, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा था तो उस तालाब में तो मैंने वहाँ पर हमारे जो जेई थे मिस्टर विवेकानंद, उनको मैंने पूरा जो कहा कि इसको पूरा एक बैरिकेडिंग बढ़िया सी बैरिकेडिंग कर दीजिए और वो बैरिकेडिंग कल शाम तक पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो वहाँ पर हम लोगों ने पूरी उसका प्रशासकीय भवन, जो वहाँ पर हॉस्पिटल का जो भवन था उसको हमने पूरा देखा। हॉस्पिटल का भवन देखने के बाद जो है भ्रमण किया तो हम CVO साहब से ये कहना चाहते थे कि चाह रहे थे कि साहब आप हमको वो चीज़ बता दो जिससे कि हम एक OT जो है इसके अंदर ही बना दें, जिससे मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात हो तो हमारे किसी गोवंश को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय उपचार की तो तत्काल उसके अंदर ही इसको हम करा सकें। तो इस बात को लेकर हम CVO साहब को वहाँ पे गए थे और इसके बाद हम लोग वहाँ पर तालाब वाले के लिए बैरिकेडिंग पूरी करवा दिया। फिर इसके बाद हम सबको लेकर अंदर तक गए तो अंदर वहाँ पर दो शेड बनाए गए हैं, मतलब शेड तो वहाँ दो और नए बन चुके हैं जिसमें अभी गोवंश नहीं रखे जा रहे, लेकिन पीछे वाले जो दो शेड हैं बड़े बड़े शेड हैं जिसमें एक में जो नंदी रखे जाते हैं और पीछे वाले में गौवंश रखी जाती है, गाय माता रखी जाती हैं, उनके बीच में जो दीवार थी कई बार ये होता है कि जो हमारे नंदी होते हैं ये उछल कर बाउंड्री वाल मतलब काफ़ी ऊंची दीवार उसको भी पार कर जाते हैं। तो उसको ये हुआ कि थोड़ा सा
एक एक डेढ़ फीट जो है इसको ऊंचा कर दिया जाए, और अंदर पूरे जो उनका सेट था उसमें सफाई चल रही थी और सफाई की उचित मतलब व्यवस्था की जा रही थी, व्यवस्था थी भी, सफाई थी, भूसा पड़ा हुआ था उनके नादों में, वो लोग उसको खा रहे थे। इसके अलावा जो वहाँ पे पंखे चल रहे थे, कुछ उनकी सफाई को लेकर हमने उनको और अच्छी व्यवस्था करने को कहा, जो इनका भूसा घर है उसकी साफ सफाई के लिए, कि हमारे भूसा कहीं से भी इनमें पानी नहीं आना चाहिए, कहीं चाहे बौछार हो चाहे नीचे से पानी आए, तो इसको साइड आगे के हिस्से में थोड़ा सा कुछ ऊँचा से मेड़ टाइप की बांध दिया जाए, वो चीज़ हमने उनको बताई। प्लस वहाँ चोना चोकर अंडा पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा पे वहाँ रखा हुआ था, तो खान पान की कोई भी समस्या नहीं थी। जानवर हमने पूरा वहाँ पे घूमे, हम लोगों ने हमारा अपना लोगों ने हमारी फोटोग्राफ्स भी काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें खींची। एक हमारा जो अमर उजाला का जो पत्रकार जो कि नगर निगम से जुड़ा भी हुआ है, मतलब जो कैमरामैन से कहते हैं, वो कैमरामैन भी हमारे साथ था, उसने भी काफ़ी फोटोग्राफ्स खींचे, हमारे लोगों ने बनाई, कुछ वहाँ पब्लिक के लोग उन्होंने बनाई, तो पूरा देख के हम लोगों ने पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद है हम लोग वहाँ पे आए थे। और उनसे ये कहा था कि इस चूँकि जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में कुछ जानवर जो हैं जो पुराने अशक्त और बीमार हो जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है, कई बार इसी जो उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से, उम्र पूरी जाने की वजह से उनके उनके उन वो मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से यही कहना था कि इसको पूरा उचित व्यवस्था करें, तो हमने पूरा डॉक्टरों की टीम को, अपने यहाँ के जो हमारे अधिकारियों की टीम को और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को टीम को सेंसिटाइज करने को उद्देश्य हम वहाँ पे गए हुए थे, उनको सबको हमने सेंसिटाइज किया है कि व्यवस्था में बेहतरी की गुंजाइश हर समय बनी रहती है और हर समय बेहतरी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और ये भी हमने कहा कि भाई इस तरह के निरीक्षण जो मैं हर 15 दिन पे एक बार जरूर करूंगा, तो आप लोग उस हिसाब से लगातार अच्छी तैयारी करते रहिए। तो इसमें कहीं पे भी ये इस तरह की कोई बात नहीं थी कि अगर किसी ने को लगा, किसी ने सोचा कि अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करने गए थे तो इसका ये मतलब नहीं था कि वहाँ कोई बीमारी वजह से, हम तो इस जगह दोनों जगह हम देखने गए थे कि अगर हमें कुछ करना रहे तो जो CBO जो चीज़ चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर ही बता सकता है कि उसको OT के लिए या कुछ अन्य उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ है, इसलिए कि गए थे वहाँ किसी बीमारी की वजह से मैं नहीं गया था। अभी कि मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे सभी साथी हैं जो भी हैं, जो भी एक बार अच्छा रहता कि इससे हम लोग का भी वर्जन जान लेते कि हमारा वर्जन कि हमारा इसके बारे में क्या है, मैं यहाँ क्यों गया था। जैसे बहुत से और भी अखबारों में भी खबरें छप रही हैं, उसमें कहीं इस तरह की कोई बात, बीमार हो चाहे वो क्या नाम है दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे, तो उसमें कहीं से ये नहीं है कि बीमारी की वजह से। और मुझे लगता है जहाँ तक मेरा पर्सनली मैं जो सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर हॉस्पिटल शब्द आया कि हम चाहते थे कि भाई एक हॉस्पिटल, एक अच्छा मॉडर्न जो हॉस्पिटल है हमारे गोवंश के लिए, इसके अंदर ही जो बना बिल्डिंग बनी है, तो उसमें सारे जो बिल्डिंग में जो उसके जो उपचार के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं उसके लिए मैं बात कर रहा था, और लोगों ने सोचा कि हम इसको, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे साथी जो हैं, वैसे भी जो हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल से जुड़े हों चाहे प्रिंट एरिया से, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में होते हैं, और हम सबको मिलकर हम लोग के ऊपर, दोनों सभी लोगों के ऊपर, कार्यकारिणी के ऊपर और जो हमारे चतुर्थ स्तंभ हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छे समन्वय के साथ पूरे समाज को एक दिशा दिखाने की जरूरत हो, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं बस इतना अनुरोध कर सकता हूँ कभी भी कोई ऐसी बात हो तो इस चीज़ को क्लियर मतलब कर लिया जाए तो और अच्छा रहेगा।